हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पफ स्लीव, जो कि ऊपर से पफ होता है और आजकल काफ़ी ट्रेंड भी है लेडीज़ कुर्तियों में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएँ, तभी मेरी वीडियो जो है आप तक पहुँच पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा लिया है स्लीव के लिए, तो दो स्लीव हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपको अपनी स्लीव की लेंथ रखनी है उससे तकरीबन 10 इंच लंबा आपको कपड़ा चाहिए। और ये मैंने फोर फोल्ड पे रखा हुआ है, यहाँ से पूरा फोल्ड है, यहाँ पे एक पीस ये, एक ये और एक ये फोल्ड साइड। तो इस तरीके से फोर फोल्ड पर मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर स्लीव का जो है मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना कि आपका फोर फोल्ड करके ये 9-10 तकरीबन आना चाहिए इसकी चौड़ाई। तो मेरा 9 इंच आ रहा है, तो मेरा तो बन जाएगा स्लीव। वैसे 10 इंच भी ले सकते हैं आप, के फोर फोल्ड करके ये 10 इंच आए यहाँ तक की चौड़ाई। इसको सीधा कर लेते हैं और निशान हमेशा उल्टी साइड से लगाना है, तो मैंने उल्टा ही रखा हुआ है ऊपर। तो ये देखिए, 10 इंच मैंने एक्स्ट्रा ये ऊपर ले लिया है और जो स्लीव बनेगी हमारी ये बनेगी। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। मेरा जो है कोनियों तक का है ये स्लीव, तो 11.5 मेरा कोनियों तक है। और ये देखिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है, जो कि नीचे से फोल्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लगाएंगे अपनी गोलाई का निशान, जो कि 6 इंच है और 1 इंच मार्जिन का। और इस निशान से हम 3 इंच लेते हैं, जो कि नॉर्मली हर साइज में लेते हैं, ये शेप लगाने का निशान होता है। तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। मैंने कुर्ती पे नाप लिया था तो वो 9 इंच आ रहा था उसका आर्म होल, तो ये 9 इंच पर और ये मार्जिन का हो गया। अगर आपका यहाँ पे कम भी पड़ रहा है तो आप कपड़ा भी जॉइंट कर सकते हैं। वैसे मेरा पूरा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्लीव जो है इस तरीके की है। तो इस तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने ऊपर लिया है एक्स्ट्रा 10 इंच, इस पर भी हमें इसी तरीके का शेप लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 इंच पे निशान। तो ये मैंने निशान ले लिया है और यहाँ से ये मैं निशान लगाना शुरू करूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये निशान हमें लगाना है, तो ऐसे कटिंग हो जाएगा हमारा ये स्लीव। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके से इसका लुक आएगा। और ये दो स्लीव हैं हमारी इस तरीके से। तो मैं आपको सिर्फ एक ही स्लीव बना के दिखाऊंगी और दूसरा स्लीव सेम तरीके से ही बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप चाहें तो प्लेट भी लगा सकते हैं या फिर चुन्नटे भी लगा सकते हैं। तो प्लेट कुछ इस तरीके से लगानी पड़ेंगी, इस तरीके से, और पूरे ये राउंड पे लगानी पड़ेगी। यहाँ से तकरीबन आपको 3-3 इंच छोड़ देना है और पूरे में आपको प्लेट या फिर जो चुन्नटे जो भी लगाना चाहते हैं। तो मैं इसे चुन्नटे लगाऊंगी। तो चुन्नटे लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, बिल्कुल कच्ची सिलाई लगाते हैं जो मशीन की, जो बड़ी सिलाई होती है, वो मैं इस तरीके से लगाऊंगी गोलाई से और फिर धागों को खींचूंगी तो उसकी चुन्नटे बन जाएंगी। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है सिंपल तरीके से, जैसे अपन करते हैं वैसे ही, और ये सीधा साइड है। तो ये लेस लगा लूँगी मैं इसमें। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे बिल्कुल कच्चा सिलाई हम करेंगे, जिसको हम खींच के इसके चुन्नटे बनाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो पीछे आपको लंबा ये धागा छोड़ना इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको लंबा छोड़ना है धागा। तो एक और सिलाई लगाऊंगी मैं, क्योंकि अगर एक धागा टूट भी जाता है तो दूसरे से हम खींच सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी दो सिलाइयाँ हैं, तो मैंने दोनों का एक एक धागा ले लिया है ऊपर वाला। इनको मैं क्या करूँगी, इस तरीके से बांध लूँगी। इस तरीके से बांध के अब हम इसको खींचेंगे। तो जब हम इसको खींचेंगे
यहाँ तक लाएंगे, ये जो हमने सेंटर का कट लगाया है, तो पूरा इसको ही नहीं खींचना, आप इस साइड से भी खींच सकते हैं, तो हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए खींच के पूरी चुन्नटे बना लेते हैं। यहाँ से हमें 3 इंच प्लेन ही रखना है, यहाँ पे चुन्नटे नहीं जाएंगी, यहाँ से भी खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ से भी खींचा और यहाँ से भी खींचा, तो इस तरीके से हमारी चुन्नटे बन गई। अब आपको क्या करना है, हमारा जो हमने राउंड लिया था आर्म होल का, वो हमारा 9 इंच था, तो पूरा खोल के ये 18 इंच होना चाहिए, और 1 इंच मार्जिन का भी होना चाहिए, तो पूरा ये 19 इंच तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से नाप लें, अगर आपका नहीं आ रहा है पूरा तो और थोड़ी गैदर को फैला लीजिए। तो इस तरीके से नाप लेना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं और करूँगी, इसको फैलाऊँगी और फिर इसको हम साइड से सी लेंगे और अपनी जो ड्रेस है उस पर अटैच कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। और इसको क्या करें, अभी इसको एकदम पक्की सिलाई आप लगा लें ताकि गैदर हिले ना अपनी जगह से। चलिए कर लेते हैं। तो अब साइड सिलाई भी लगा लेते हैं हम। फ्रेंड्स ये ड्रेस उठा लिए मैंने, तो ड्रेस को मैंने उल्टा रखा है और स्लीव को आपको सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से है लुक स्लीव का कुछ। तो यहाँ से हमें ये चीज पकड़नी है, यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ से नेक की साइड से ही हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये जॉइंट हमें मिलाने हैं इस तरीके से। और जैसे नॉर्मल स्लीव हमारा जॉइंट होता है राउंड में, वैसे ही ये जॉइंट हो जाएगा। और अगर आपको ओपन स्लीव जॉइंट करनी है तो आप क्या करें, जो स्लीव की हमने साइड की सिलाई लगानी थी वो भी ना लगाएं, और ये फिटिंग का ड्रेस का ये भी सिलाई ना लगाएं, और ओपन स्लीव भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं, जो स्लीव हम जॉइंट करते हैं तो यहाँ से तो हम फ्रंट काटते ही हैं, यहाँ का ज़्यादा फ्रंट कटा रहता है कुर्ती का, स्लीव का भी इसी तरीके से फ्रंट जो है ज़्यादा कटा रहता है। पर इसमें क्या है कि ये स्लीव कुछ इस तरीके के है कि इसमें पता नहीं चलता, और अगर आप ऐसे ही रखेंगे बराबर बैक और फ्रंट का तो आपकी स्लीव बहुत अच्छी इसमें जुड़ती है, और जो फ्रंट का हम ज़्यादा काटते हैं वो उसमें पता भी नहीं चलता। तो ये देखिए लुक कुछ इस तरीके से आया है, और जब आप पहनेंगे ना तब इसका लुक है। तो इस तरीके से शायद ना भी आपको समझ में आए, तो ये इस तरीके से शोल्डर पे ये फूला हुआ रहता है और काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। तो फ्रेंड्स दूसरा स्लीव भी सेम तरीके से हमें लगा लेना है। और अगर आप ये नेक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वैसे मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगी इस नेक के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।